नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका। कहिए, कैसे आना हुआ? मंत्री महोदय, आप तो जानते हैं राम गंगा पुल बनकर तैयार हो चुका है। हाँ, जानता हूँ भाई। उस पुल के बनने से मुंबई और पुणे का फासला 40 मील कम हुआ है। सच कहा आपने मंत्री महोदय जी, और हम लोगों ने इस महीने की 15 तारीख को इस पुल के उद्घाटन का समय निश्चित किया है, और हम सब चाहते हैं कि इस पुल का उद्घाटन आपके शुभ हाथों से हो। 15 तारीख को तो मैं पुणे में हूँ, मगर ये जनता का काम है, मैं आने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं मंत्री महोदय, इस पुल का उद्घाटन अगर होगा तो सिर्फ आपके ही हाथों होगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा गजानन, ये बताओ कि 15 तारीख को मेरे क्या क्या प्रोग्राम है? जी सर, सर आप 14 तारीख की रात को पुणे जा रहे हैं, और वहाँ 15 तारीख को आपकी डॉक्टर सूर्यकांत से मीटिंग है। अच्छा, डॉक्टर सूर्यकांत से मीटिंग है। मंत्री महोदय, हम आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो उस दिन का प्रोग्राम और किसी दिन रख दो। 15 तारीख को राम गंगा पुल का उद्घाटन है, और ये लोग चाहते हैं कि उद्घाटन मेरे हाथों हो। धन्यवाद मंत्री जी। ठीक ठीक, तो ठीक है सर, आपका पुणे जाने वाला प्रोग्राम आगे किसी दिन शिफ्ट कर देता हूँ। बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, उस दिन मुझे कितने बजे पहुँचना है वहाँ पर? जी सुबह 9 बजे पहुँचना है। हम पहुँच जाएंगे। हाँ। अच्छा हम निकलते हैं, हमें विधानसभा पहुँचना है। धन्यवाद। क्या किया तूने? उस लड़की को मार दिया तूने? क्या हुआ साहब? एक लड़की कार से टकरा कर जमीन पर गिरी। लड़की? सर इस सुनसान रास्ते में कोई लड़की दिखाई नहीं दी हमको। अचानक आपकी गाड़ी रुकी, इसलिए हम भी गाड़ी रोककर आपके पास आ गए। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हो? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है कार से टकराते हुए। वो लड़की बुरी तरह जख्मी हुई होगी, उसे डॉक्टर की जरूरत होगी। टाइम मत गवाओ, उसकी मदद करो, जाओ। जी साहब। जी अच्छा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, गाड़ी वापस लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गाड़ी जल्दी वापस ले, चलो चलो। यस सर। ये क्या कह रहे हैं सर? एक बार हाँ कहने के बाद वहाँ जाने से इनकार करना अच्छी बात नहीं होगी। अरे अच्छी बुरी का छोड़ो, उन लोगों को बता दो कि मैं 15 तारीख को राम गंगा पुल का उद्घाटन नहीं कर सकता। मुझे उस दिन हर हाल में पुणे जाना है, समझे? तो ठीक है सर, मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वो राम गंगा पुल का उद्घाटन किसी दूसरे मंत्री से करा ले। गुड, ठीक है ना सर? क्या लफड़ा यार? अरे यहाँ से कहाँ जा रहे हो? इस ब्रिज का तो अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, ये ब्रिज आम लोगों के लिए खुला नहीं है। नहीं नहीं नीरू, लोग यहाँ से आ जा सकते हैं,
देखो भाई, अगर इस रास्ते से हम जाएंगे ना तो एक घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे। एकदम शॉर्टकट का रास्ता है। देखो देखो मैं कैसा अभी रास्ता बनाता हूँ। ओह गॉड, चलो, that's it। अरे धीरू, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गाड़ी के सामने आई। चलो देखते हैं। यही देखा था। दीपक, दीपक ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस ब्रिज से मत आना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। नीरू, अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ। चलो, सुना नहीं तुमने? चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ, अभी चले जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। नीरू तुम चलो यहाँ से। दीपक जल्दी चलो। कमेंट सर। आओ विजय, बैठ। बोलिए सर। भाई ये देखो। ये क्या है? भाई ये रामगंगा ब्रिज के बारे में न्यूज़पेपर्स में कितना छप रहा है और क्या क्या छप रहा है। हाँ सर, पढ़ा तो मैंने भी है। अरे अखबार वाले रामगंगा ब्रिज को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। लिखा जा रहा है ये ब्रिज बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन उसके उद्घाटन के लिए कोई मंत्री या नेता तैयार ही नहीं है। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि रामगंगा ब्रिज हॉन्टेड है। ओ, तो आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं वहाँ जाकर उस हॉन्टेड पुल का उद्घाटन करूँ? नहीं विजय, मुझे ये मामला बहुत सीरियस लगता है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर ये पता करो कि असल बात क्या है। सर आप मुझे किस मामले में फंसा रहे हैं? मैं जानता हूँ कि ये मामला क्या है। अच्छा, तुम जानते हो? हाँ, ये सारा खेल कंस्ट्रक्शन वालों का है। अच्छा, अब देखिए सर, ये तो जाहिर सी बात है कि उस पुल को बनाने के लिए कई बिल्डरों ने टेंडर भरे होंगे। अब जिसको ये काम मिल गया दूसरे उसके दुश्मन हो गए। अब वो इस तरह की हरकतें करके उस बिल्डर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सर ये सारी बिल्डरों की आपस की लड़ाई है, और फिर आप तो जानते हैं कि मोहब्बत और जंग में हर बात जायज होती है। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ इस काम के लिए, प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, मैं श्याम देहलवी को भेज दूंगा। हाँ सर, श्याम इस काम के लिए बिल्कुल सही आदमी होगा। ओके सर। ओके, आई टेक लीव ऑफ यू। श्याम को मेरे कमरे में भेज दो।
राम गंगा भूतिया ब्रिज। पुल पर आना ही पड़ेगा आपको, रामगंगा पुल पर आना ही पड़ेगा आपको, रामगंगा पुल पर आना ही पड़ेगा आपको, रामगंगा पुल पर आना ही पड़ेगा। सर। अरे विजय, क्या बात है? सर, मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं समझा नहीं। सर, मैं रामगंगा ब्रिज जाऊंगा। मगर तुमने तो वहां जाने से इनकार कर दिया था, वहां जाने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? सर, आप ही ने कहा था ना कि वो जगह हॉन्टेड है। मैंने नहीं कहा था, पर लोग कहते हैं वो जगह हॉन्टेड है। हाँ सर, इसलिए तो मैंने फैसला किया है कि मैं वहां जाऊंगा। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया विजय साहब, आज आप यहाँ आ गए, मेरा बरसों का इंतजार खत्म हो गया। आपका धन्यवाद विजय साहब, धन्यवाद।
रोको रोको। अरे यार जर्नलिस्ट हूं। ठीक है साहब, मगर आप उस रास्ते से मत जाइए। क्यों? उस रास्ते से जितने भी लोग जाते हैं वो उल्टे पांव भागकर वापस आते हैं। उधर कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। ये तो अच्छा हो तुमने मुझे बता दिया। ठीक है तो आप गाड़ी वापस ले लो। नहीं हवलदार साहब, मैं इधर ही जाऊंगा। हाँ लेकिन उल्टे पांव वापस नहीं आऊंगा। ए सुनो, खोल दो, जाने दो इन्हें। अरे धर्मेश, जाने क्यों दिया उसे? अरे यार ये पत्रकार लोग भी बड़े सरफिरे होते हैं, एक बार जो ठान ले वो करके ही छोड़ते हैं। सुनिए सुनिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, प्लीज रुकिए। मैं आप ही से बात कर रहा हूं, प्लीज प्लीज रुकिए यहां पर। क्या नाम है आपका? ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप ये? मैं कहता हूं चलो। तुम जो कुछ कह रहे हो विजय, उसे सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि वो जगह हॉन्टेड है। उस जगह पर कोई भूत प्रेत का असर है।
नहीं सर, मैं ये बात नहीं मानता। ये एक प्लान है, एक साजिश है। ये कैसे मुमकिन है? तुम खुद कह रहे हो कि पहले तुमने ये सब अपने कंप्यूटर पर देखा और फिर रामगंगा ब्रिज पर उस लड़की का तुम्हारी गाड़ी से टकराना, तुम्हारा नीचे उतरकर देखना और वहां किसी को ना पाना और फिर उस लड़की का अपीयर होना और ब्रिज से नीचे कूदकर डिसअपीयर हो जाना, ये कोई इंसानी काम हो ही नहीं सकता। नहीं सर, ये इंसानी काम ही है। हाँ मगर ये सब कैसे हुआ ये बात मेरी अब तक समझ में नहीं आई। लेकिन जब तक इस मामले की तह तक मैं पहुंच नहीं जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। असलियत का पता लगा कर रहूंगा सर मैं। Excuse me. Yes, what can I do for you? जी मुझे मिस्टर के गुप्ता से मिलना है। जी वो तो बाहर गए हैं। May I help you? मैं उनकी सेक्रेटरी ज्योति। Oh hi ज्योति, myself विजय। मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये नेशनल रिपोर्टर की तरफ से आया हूँ। Okay, please take a seat. Thank you. आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जी मैं रामगंगा ब्रिज के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। उस ब्रिज के बारे में जानने के लिए तो रोज फोन आते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं उस ब्रिज के बारे में? यही जो अफवाहें सुनाई देती हैं उस ब्रिज के बारे में, मैं जानना चाहता हूं आखिर उसकी सच्चाई क्या है। आप जर्नलिस्ट हैं, कुछ तो नतीजा निकाला ही होगा उन अफवाहों का। वेल, मेरे ख्याल से तो वहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके किसी राइवल ग्रुप की कारस्तानी है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ तो वजह होगी जो ब्रिज बनने के बाद भी अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, और इसी वजह से गवर्नमेंट भी हमारी कंपनी को पेमेंट नहीं कर रही। देखिए मिस ज्योति, आप चूंकि मिस्टर गुप्ता की सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपको तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि उनका दुश्मन कौन है और ये किसकी शरारत हो सकती है। वेल, मैं यकीन से तो नहीं कह सकती। देखिए, मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसमें आपका नाम नहीं आएगा, विश्वास कीजिए मेरा। आखिर उस ब्रिज के बारे में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उसकी कोई तो वजह होगी। इतना तो मैं नहीं जानती, मगर हाँ इस ब्रिज की शुरुआत जरूर किसी मनहूस घड़ी में हुई है, तभी तो हमारी कंपनी लगातार घाटे में आ रही है। और एक हादसे में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया। हादसा? काय का हादसा? हाँ तो आप कह रही थी कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। जी हाँ, उसका नाम सरोज था, वो ओवरसीयर थी। वैसे तो इस पेशे में लड़कियां बहुत कम आती हैं, मगर She was very bold. लेकिन यही एक्सीडेंट में मारी गई। ये हादसा कब हुआ था? जब ये ब्रिज बन रहा था। ओ, आपके पास सरोज की कोई तस्वीर है? या, one second. ये लीजिए। What happened? Thank you. मैं अभी चलूंगा। Thank you so much. साहब नमस्ते। अरे भाई मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? रामलाल साहब। अच्छा रामलाल, अभी जब मैं ज्योति से बात कर रहा था तो तुमने सरोज के साथ जो हादसा हुआ था
उसके बारे में कुछ कहा था। कुछ कहा था? मुझे तो याद नहीं साहब, क्या कहा था? ये अपने याद नहीं, कुछ क्या बच्चों के लिए रख लेना यार। अरे क्या साहब, अच्छा बताओ क्या कहा था? अरे कहा था साहब, और सच्ची कहा था। सब लोग यही कहते हैं साहब कि सरोज मेम साहब पुल पर काम कर रही थी, तभी उसका पैर फिसला, गिर पड़ी। मगर हजार कोशिश करने के बाद भी सरोज मेम साहब की लाश नहीं मिली, तो हम उन्हें मरा हुआ कैसे समझे? साहब एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वैसे तुम्हारे मुताबिक क्या गड़बड़ हो सकती है? अब यह तो साहब ऊपर वाला ही जाने। साहब मैं चलता हूं, आप ही जाइए, कोई देख लेगा तो बोलेगा खाली पीली काम धाम करता नहीं है। बस नमस्ते। नमस्ते। विजय, तुम अब भी यही कहना चाहते हो कि ये भूत प्रेतों का नहीं इंसानों का काम है? 100% सर। दरअसल बात यह है कि ये जो केके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें एक मुलाजिम थी सरोज करके, वो वहां पर ओवरसीयर थी। उसे किसी दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भारी रकम देकर खरीद ली। तुम कहना क्या चाहते हो विजय? सर मुझे पूरी बात पता चल गई। मुझे ये जो राम गंगा ब्रिज का टेंडर है, इसे केके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सोलंकी कंपनी ने भी भरा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिला केके कंस्ट्रक्शन को। अब ये सारा का सारा खेल सोलंकी कंस्ट्रक्शन वाले खेल रहे हैं, और वो जो ओवरसीयर लड़की थी सरोज, जिसके बारे में मशहूर था कि वो वहां पर किसी हादसे में मारी गई थी, वो दरअसल मरी नहीं थी, उसने मरने का नाटक किया था सर, और वो जिंदा है। ये तुम कैसे कह सकते हो विजय? इसलिए सर कि उसकी लाश नहीं मिली, और ये बात मुझे वहां के प्यून ने बताई है। विजय अगर तुम्हारी ये बात सही है तो ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। इसमें तो बहुत मसाला मिलेगा अपने पेपर के लिए। You're absolutely right, sir. लेकिन मैं अभी निकलना चाहूंगा सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विजय जी सर, अपना ख्याल रखना, ये बिल्डर बड़े खतरनाक होते हैं। सर जब ओखली में दिया है सर, तो मूसल का क्या डर। सी यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विजय साहब, कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? विजय साहब, विजय साहब मैं यहाँ हूँ। और ये क्या नाटक लगा रखा है? ये कोई नाटक नहीं है विजय साहब, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यही हकीकत है। सच ये है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, समझी?
मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जिंदा हो। हाँ विजय साहब, मैं सरोज नहीं, उसकी आत्मा। इसका मतलब जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ था वो सच है? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सच था, लेकिन वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हुई साजिश थी मुझे मारने की। क्या? हाँ विजय साहब, हादसे के नाम पर मुझे मार दिया गया। हाँ विजय साहब, आज आप जहां खड़े हैं वहां मेरे हत्यारे खड़े थे। हत्यारे? हाँ विजय साहब, वो तीन थे, आप शायद नहीं जानते, मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया था और शायद मैं पहली लड़की थी जिसने एक ऐसे प्रोजेक्ट में ओवरसियरी की। ये रामगंगा ब्रिज तब तक लगभग बन ही चुका था जब मुझे इसकी हेराफेरी का पता चला। जिस हिसाब से सीमेंट और लोहे के सरियों में गड़बड़ चल रही थी उसने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, तब सबसे पहले मेरा सामना मुकादम जीत सिंह से हुआ। ये जीत सिंह बहुत ही भयानक किस्म का आदमी है। चलो एक काम करो, वहां से चले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जीत सिंह? आप हमारे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मैडम, आपकी वजह से सीमेंट का खर्चा बढ़ गया और उसकी सप्लाई भी आपने रुकवा दी। जीत सिंह, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ और यहाँ सीमेंट की चोरी हो रही है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। देखो मैडम, आप अपने काम से काम रखो। जीत सिंह नाम है मेरा, पंगा नहीं लेना हमारे साथ। तुम्हारे जैसी कई ओवरसियर मैंने दाएं बाएं कर दी। Shut up. Just go away. Get lost from here. तुम लोग चलो, सब अपना अपना काम करो। मल्होत्रा साहब। अरे सरोज, आओ आओ। सर, आपको जीत सिंह को रोकना होगा। क्यों, क्या हुआ? सर शायद आपको पता नहीं है, यहाँ सीमेंट की चोरी हो रही है और पुल के लिए भी जो इस्तेमाल हो रहा है माल वो इंफीरियर क्वालिटी का है। क्या बकवास कर रही हो? अभी अभी तो मैं इंस्पेक्शन कर आ रहा हूँ और तुम कह रही हो कि? सर आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। देखो सरोज, मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझा दिया था कि यहाँ किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी मत करना, तुम्हारा जो काम है वो करती रहो। सर ये सवाल मेरे प्रोफेशन से मेरी ईमानदारी का है, मैं अपनी आंखों के सामने गलत काम होते हुए कैसे देख लूं? और वैसे भी ये ब्रिज इस एरिया का सबसे हैवी ट्रैफिक वाला ब्रिज होगा, हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, विकास। हाँ सर। जरा सब लोगों को लेकर के वो दूसरी साइड पर चले जाओ। अच्छा ठीक है सर। अरे चलो एक काम करो, वो दूसरी साइड पर चलो। अरे चलो, तुम भी चलो, चलो, चलो। लगता है जीत सिंह ने तुम्हें ठीक से समझाया नहीं है। अभी तुम नई नई हो, शुरुआत में थोड़ा कम कम खाओ। हाँ बाद में तुम्हें भी, अभी ये रख लो। ये क्या है सर? ये तुम्हें तुम्हारे काम में मसरूफ रखने का मुआवजा है, अब इधर उधर ताक झांक करना बंद कर दो। ओ, अब मैं समझी, ये सब आप लोगों की मिली भगत है। देखो इस वक्त तुम्हें इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, इसे रख लो। क्या समझते हैं आप, थूकती हूँ मैं आपके इन पैसों पर। क्या सोचा था आपने कि मैं आपके और जीत सिंह के साथ मिलकर आपका साथ दूंगी?
इंसानों की जिंदगियों के साथ खेलूंगी? मल्होत्रा साहब, एक दिन ये ब्रिज पूरा ट्रैफिक लेकर रामगंगा नदी में गिर जाएगा। शट अप, यू आर फायर्ड। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आप किस हक से मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? आपने मुझे नौकरी पर नहीं रखा था। अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, आप सब लोग मिलकर गुप्ता जी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे गुप्ता साहब ने नौकरी पर रखा था और मैं उन्हीं को जाकर आपकी इन करतूतों के बारे में बताऊंगी। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो सरोज? बल्होत्रा और जी सिंह बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और इस कंपनी के वफादार हैं। I can't believe it, yes. सर, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। ये सब लोग मिलकर आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं सर। पहले तो मैं पुलिस के पास जाने नहीं, वाली। नहीं, 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 सरोज, नहीं, ये तुमने अच्छा किया कि तुम मेरे पास चली आई। अगर पुलिस इस ऑफिस में आती तो केके कंस्ट्रक्शन की बहुत बदनामी होती। और देखो सरोज, ये नौकरी मैंने तुम्हें दी है। बल्होत्रा और जी सिंह कौन होते हैं तुम्हें निकालने वाले? तुम इस कंपनी की ओवरसीयर हो। रहा उनकी बेईमानी का सवाल, तो आज रात तुम मुझे ब्रिज पे मिलो। मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूं और फिर पुलिस के हवाले कर दूंगा। राइट सर, तो फिर आज रात को मैं आपका रामगंगा पुल पर इंतजार करूंगी। और एक बात का ध्यान रहे, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना वो दोनों अलर्ट हो जाएंगे, समझी? ओके सर, तो अब मैं चलूं सर? हेलो जी। ओके। अरे सरोज, तो आप हमसे मिले बिना जा रही थी? नहीं यार ज्योति, दरअसल वो हाँ भाई, दोस्तों को कौन याद रखता है। ज्योति प्लीज यार, ऐसी बातें मत कर। दरअसल मैं अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझी हुई थी कि। प्रॉब्लम्स? कैसी प्रॉब्लम्स? छोड़ना यार, ये वीकेंड पक्का मिल रहे हैं, ओके? और हम लोग बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। उस रात कॉन्ट्रैक्टर जीत सिंह अपने आदमियों के मदद से चोरी का सीमेंट ट्रक पर चढ़ा रहा था। चल चल, तू भी चल। अरे उठा, जल्दी उठा, क्या कर रहे तू? अरे फटाफट काम को खत्म करो। साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी अभी मैंने जीत सिंह को वहां पर उस ट्रक में चोरी का सीमेंट ले जाते हुए देखा है। ये सारा सीमेंट मेरे गोडाउन में जा रहा है। दिन में ये स्टॉक मैं इसलिए रखता हूं कि कहीं तुम जैसा सर फिरा नेता ना आ जाए। क्या? देखो सरोज, तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि मैं तुम्हें ऑफिस में रोकने की कोशिश करता या फिर तुम्हें पुलिस में जाने देता। ओ, इसका मतलब आप सभी इस साजिश में शामिल हैं। मल्होत्रा ने तुम्हें एक मौका दिया था और वो मौका तुमने अपने हाथों से गवा दिया, और अब वो मौका हमारे हाथों में। गुप्ता साहब, आप जैसे इस देश में चंद लोग हैं जो भ्रष्टाचार के पुजारी हैं, जो इंसानों की जिंदगियों के साथ खेलना चाहते हैं, जो रुपयों के ढेर पे सोना चाहते हैं और उसके लिए इंसानी लाशों की चादर बिछाते हैं। कर लो,
जी भर के बकवास कर रहा हूं, क्योंकि ये घड़ियां तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। जी भर के जी। आप किसी गलत फहमी में मत रहिए गुप्ता साहब, मेरी एक आवाज पर सैकड़ों मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे और वो आपकी इस घिनौनी साजिश में शामिल नहीं है। और तुम भी इस गलत फहमी में मत रहना सरोज, आज मैंने सब मजदूरों को रात पाली का पैसा देके भेज दिया है और इस वक्त वो दूर कहीं मस्ती में शराब के नशे में हंस रहे होंगे, नाच रहे होंगे। और अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं आता तो आवाज लगा के देख लो, शायद कोई आ जाए। कोई है? हेल्प! कोई है? कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें, सबको आज हमने जल्दी छुट्टी दे दी है। ईमानदारी की मूरत को और फेंक दो राम गंगा के पानी में। छोड़ो मुझे। हेल्प! बचाओ! बचाओ! कोई नहीं आएगा तुझे यहाँ बचाओ। अरे चल बचाओ, कोई है? कोई फायदा नहीं। हेल्प! बचाओ! छोड़ो मुझे! छोड़ो! विजय साहब, मेरी लाश पानी के तेज बहाव में दूर निकल गई और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं इधर आने वाली हर गाड़ी को रोकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ जिस दिन इस पुल पर ट्रैफिक चालू हो गया ये ब्रिज गिर जाएगा और न जाने कितने मासूम मारे जाएंगे। नहीं सरोज, अब ऐसा नहीं होगा, कोई मासूम नहीं मरेगा। तुम्हारी मौत का बदला लिया जाएगा, तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी, ये वादा है विजय का तुमसे। इसीलिए तो मैंने आपको चुना है। मैं आपके लिए एक अखबार में पढ़ा करती थी, विजय साहब अब आपको इस लड़ाई के लिए सबूतों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको उन सबको यहां लेकर आना होगा। आएंगे सरोज, वो सभी यहां आएंगे, उन सबको तुम्हारी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी, अपनी बेईमानी की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं मल्होत्रा, जीत सिंह, गुप्ता, किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं। अरे आधी रात को कौन तंग कर रहा है? कौन है बे? नेशनल टाइम्स अखबार का नाम सुना है ना? ए, आधी रात को अखबार का नाम सुनाकर मेरा शराब का नशा क्यों उतार रहे? अरे सुन जीत सिंह, कल जो मैं खबर छापने जा रहा हूँ ना, उसे पढ़कर तू फांसी के फंदे पर झूलने से पहले ही मर जाएगा। तू 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 है कौन? तू कौन है? तू नेशनल टाइम्स का रिपोर्टर विजय सक्सेना बोल रहा हूं और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 25 सितंबर की रात को तुमने क्या किया था।
मैंने क्या किया था? मैंने वो लाश पुलिस के कब्जे में है जीत सिंह, और जैसे पुलिस को मालूम हुआ कि उस लड़की को राम गंगा पुल से नीचे फेंका गया था। नहीं नहीं नहीं, क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? अरे मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, तुम्हें बचाना चाहता हूं। तुम फौरन 50,000 रुपया लेकर होटल लेक व्यू के कमरा नंबर 1502 में पहुंच जाओ। ठीक है आता हूं मैं, आता हूं। गुप्ता, गुप्ता जी, हेलो गुप्ता जी। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई आधी रात को दारू के नशे में मुझे फोन करने की? गुप्ता जी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको कभी नींद नहीं आएगी। जी जी, गौर से सुनो। 50,000 रुपया लेकर मोटल लेक पे चले जाओ और उस अखबार वाले को जान से मारा लो। मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा, तुम्हारी जान भी बचेगी और मेरी जान भी बचेगी, समझ गए? समझ गया गुप्ता जी, समझ गया। आओ जीत सिंह, आओ जीत सिंह आओ। कौन है? मैं हूं। कहां हो तुम? मैं यहां हूं जीत सिंह। ये क्या तमाशा है? पैसा लाया जीत सिंह। ये पैसा लाया हूं। पैसा लाओ। पैसा लाया हूं। ये देखो, ये देखो, ये 50,000 रुपया। ये देखो, ये देखो, क्या हो रहा है? ये लाए लाए पैसा। ये इधर 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 लाए। ये इधर है। पचास हजार चाहिए था ना तुझे? 50,000। मैं यहां हूं जीत सिंह। आगे।
तुम सरोज डर गए? तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ मैं मर चुकी हूं, लेकिन मुझे मारा किसने? मैंने सरोज मैंने तुझे मारा, मगर मैंने गुप्ता के कहने पर तुझे पुल से उठाकर रामगंगा में फेंक दिया। मैंने सरोज मैंने क्यों किया तुमने ऐसा जीत सिंह? क्यों किया? इसलिए कि तुम्हें पता चल चुका था कि पुल में जो हेरा फेरी हो रही है उसमें घटिया मटेरियल यूज किया जा रहा है और उसके कारण पुल कमजोर बनेगा। सरोज वो अखबारा किधर गया जिसने मुझे यहाँ बुलाया था? उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। तुम्हारा बयान रिकॉर्ड हो चुका है, अब मैं तुमसे बदला लूंगी अपनी मौत का। मुझे मत मारो। सरोज सरोज तुम्हारा खून करने में मेरा अकेले का हाथ नहीं था। सरोज मेरे साथ गुप्ता और मल्होत्रा भी थे, दोनों थे, दोनों। सरोज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जीत सिंह का अभी तक कुछ पता नहीं, कहां चला गया वो? गुप्ता साहब मैं पहले से दिल का मरीज हूं, कहीं आपकी बताई बात सच निकली और वो जीत सिंह फंस गया तो? हेलो गुप्ता साहब, शायद आप और मल्होत्रा साहब जीत सिंह का इंतजार कर रहे हैं। कौन हो तुम? मैं वही बोल रहा हूँ जिसे मारने के लिए होटल लेक व्यू में आपने जीत सिंह को भेजा था। क्या पकते हो तुम? अरे पहले आप जीत सिंह की आवाज फोन पर सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा कि कौन बकवास कर रहा है। मैंने सरोज मैंने तुझे मारा, मगर मैंने गुप्ता के कहने पर तुझे पुल से उठाकर रामगंगा में फेंक दिया। मैंने सरोज मैंने कि पुल में जो हेरा फेरी हो रही है उसमें घटिया मटेरियल यूज किया जा रहा है और उसके कारण पुल का चीचिंग का है। साहब मुझे बेहद अफसोस है कि खौफ से भागते वक्त जीत सिंह एक हादसे का शिकार हो गया। और हाँ, अगर आप और मल्होत्रा साहब आज रात को 5 लाख रुपए लेकर रामगंगा पुल नहीं पहुंचे तो ये जो कैसेट आपने सुनी है ये पुलिस तक पहुंच जाएगी, समझे? नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। मैंने सरोज मैंने तुझे मारा, मगर मैंने गुप्ता के कहने पर तुझे पुल से उठाकर रामगंगा में फेंक दिया। मैंने सरोज मैंने कि पुल में जो हेरा फेरी हो रही है उसमें घटिया मटेरियल यूज किया जा रहा है और उसके कारण पुल का सर, आज की रात कहानी का क्लाइमेक्स है और ये कहानी सबको चौंकाने वाली होगी। विजय जरा संभल कर जाना, तुम उन लोगों से डील करने जा रहे हो जिनकी नजर में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, उन भेड़ियों को उनकी करने की सजा भुगतनी होगी। आज फैसले की रात है सर, विश मी गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और हाँ सर, एक एसेट आप हिफाजत से रखिएगा, मैं इजाजत चाहूंगा। All the best. Thank you, sir. Thank you once again.
आइए गुप्ता साहब आइए। भाई मानना पड़ेगा आप बिल्कुल वक्त पर आए हैं। वक्त का बहुत पाबंद। अच्छा, और मैंने तुम्हें पहचान ली, तुम नेशनल टाइम्स के रिपोर्टर विजय सक्सेना। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अरे हाँ, आप वो 5 लाख रुपए लाए हैं या नहीं? वरना कल सुबह तक यहाँ की आम जनता आपकी असलियत पहचान लेगी। और वो कैसेट? रुपए तो लाइए, टेप तो मेरे पास ही है। मल्होत्रा, बैग लेकर यहाँ आ जाओ। वेलकम मल्होत्रा साहब, वेलकम। भाई मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि राम गंगा जैसा कमजोर पुल, आप जैसे दोनों भ्रष्टाचारियों का बोझ अभी तक संभाले हुए हैं। इट्स रियली वेरी अमेजिंग। और उसका कारण आप हैं, वरना? ये तो सरोज की आवाज है। सरोज? अगर तुम सरोज हो? गुप्ता साहब, आज आपको अपना गुनाह सरोज के रूप में दिखाई दे रहा है। याद है ना गुप्ता साहब, रामगंगा पुल के जिम्मेदारी सौंपते वक्त आपने मुझसे क्या कहा था? मुझे याद है, मैंने कहा था कि देश को तुम जैसी ईमानदार वर्कर की जरूरत है। ये भी कहा था कि केके कंस्ट्रक्शन ईमानदारी का दूसरा नाम है। और मेरी हत्या करते वक्त आप ये सब भूल गए थे? याद है आप लोगों को किस तरह मैं अपनी जान बचाने के लिए यहां भाग रही थी, और आप लोगों ने मुझे ठीक उसी तरह घेर लिया था जैसे भेड़ियों का दल मेमने को घेर लेता है। भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सरोज। एक निर्दोष की हत्या को तुम भूल कहते हो? हमें माफ कर दो। जनता के विश्वास को धोखा देकर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी को तुम भूल कहते हो? एक दिन जब ये पुल राम गंगा में समा जाएगा तब तुम क्या कहोगे? भूल हो गई थी? लालची दरिंदों, लोग रोटी के दो निवाले खाते हैं और तुम लोग सोना खाते हो, नोटों की गड्डियां खाते हो। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, ये सिस्टम ही ऐसा है। मत बदनाम करो सिस्टम को, तुम जैसे दरिंदों ने सिस्टम को बिगाड़ा है, तुम जैसे लालचियों ने ईमानदारी की लाश को स्वार्थ की गड्ढे में दफना दिया है। तुम जब इंजीनियर बने थे तो क्या सोचा था तुमने, बेईमानों के कंधों से कंधा मिलाकर चलोगे? सारे इंजीनियर अगर तुम्हारे जैसे हो जाए तो इस देश का क्या होगा? माफ कर दो सरोज। नहीं मल्होत्रा, अब जमाना बदल रहा है, नई पीढ़ी तुम जैसे दरिंदों को समाज में जीने नहीं देगी। मुझे माफ कर दो सरोज, माफ कर दो। माफ कर दो? तुम्हें माफ कर दो? क्या तुमने मुझे माफ किया था? क्या कसूर था मेरा? यही ना कि मैंने तुम्हारी बेईमानी में तुम्हारा साथ नहीं दिया? मल्होत्रा, जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मैं कसम खाता हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूंगा सरोज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मल्होत्रा तो गया, उसे अपने किए की सजा मिल गई। गुप्ता, अब तेरी बारी है।
भाग गुप्ता, तू सरोज से बचकर कहां भागेगा? तेरे लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कर देखा गुप्ता, तेरा समय अब खत्म हो चुका है और तुझ जैसे भ्रष्टाचारियों को अब मर ही जाना चाहिए। बचाओ! तो जैसा एक भ्रष्टाचारी मरेगा तो सैकड़ों बेगुनाहों की जान बचेगी। बचाओ! 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 पापियों को सजा मिली और मेरी आत्मा को शांति। और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इन जैसे भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दिलवाते? ऐसा ही होगा सरोज, एक नई पीढ़ी करवट ले रही है, एक नया सवेरा होने जा रहा है। मैं आपकी आभारी हूं विजय साहब, मेरा काम हो गया, अब मुझे जाना होगा। शुक्रिया।